أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو الأقدة تم من لساني يفقه قولي رب زدني علما آج سبق سورة يونس آية نمبر 41 اكتاليس آه شروهوغا

उसका जवाब तुम्हें नहीं देना वो बरी और मैं बरी बरी हूँ, उस ज़िम्मा उन कामों से जो तुम करते हो यानी क्यामत के दिन कोई भी किसी के अमाल की जिम्मेदारी नहीं लेगा तो हर किसी को अपने आमाल का जवाब दे खुद होना पड़ेगा इसीलिए उसकी फिक्र भी खुद करनी है चाहे कोई किसी नबी की औलाद है चाहे कोई आ, किसी ओलिया की औलाद में से है सहाबा की औलाद में से है ये जो आयत है यही एक क्राइटेरिया है अपने अमाल को दुरुस्त करने का और अपने लिए आखिरत और दुनिया बनाने का कि कियामत के दिन कोई भी किसी के अमाल की जिम्मेदारी नहीं उठाएगा आप देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी फातिमा तो जहरा रजी अल्लाह फरमाया था एक दफा कि फातिमा मैं तुम्हारा बाप हूँ लेकिन क्यामत के दिन मैं तुम्हें अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकूँगा यानी उनको अलर्ट करने के लिए उनको अपने अमाल की फिक्र दिलवाने के लिए जैसे पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है तो आप देखिए कि जब अपने अपने घर के लिए अपनी बेटी के लिए आप ये कह रहे हैं आप ये फरमा रहे हैं तो आज हम में से बहुत सारे मुसलमानों की एक आ, आ, कहने के तसाहुल परस्ती है या हमारा एक एक्सक्यूज़ है कि हम कहते हैं कि हम नबी वसल्लम की उम्मत में से हैं तो हमारी तो शफात ज़रूर भी ज़रूर हो जाएगी ऐसा नहीं है आमाल साल होना ईमान होना ये पहली शर्त है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की की शफात उसके बगैर शफात जो है वो नसीब नहीं होगी तो आपकी बातें सुन रहे होते हैं है। तो क्या आप बहरों को सुनाएंगे यानी ये ऐसे हैं जो बज़ाहिर तो सुन रहे हैं लेकिन इनके दिल चूंकि अलर्ट नहीं है तो ये ऐसे ही है बिल्कुल आ, आ, हैं बिल्कुल कि जैसे बहरे हैं बगैर कानों के या बगैर सुनने की हिस्स रखने के तो ये ऐसे ही लोग हैं कि जिनको ये समझ नहीं है कि ये जो कुरान है या अल्लाह का कलाम है ये ज़िंदगियों के लिए कितना ज्यादा जरूरी है वमिन हम नयाक और इनमें ऐसे भी हैं जो बजाहिर बड़े गौर से आपको देखते हैं अफ़ान तो फिर क्या आप अंधों को राह दिखाएंगे अगर चे वो नहीं देखते यानी बजाहिर देख रहे हैं लेकिन दिलों की आंखें खुली हुई नहीं है यानी अंदर से जमीर अलर्ट नहीं है नफ्स अलर्ट नहीं है तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसपास भी रहे कुरान को सुनते और देखते भी रहे इसके बावजूद बहुत सारे लोग ऐसे थे जो ईमान नहीं लेकर आए और आज भी यही आयात अप्लाई होती हैं कि हमारे सामने अल्लाह का कलाम फाइनल जो अल्लाह के का जो वर्ड ऑफ गॉड है और कलाम है वो हम सब के पास है और मुझे और आपको हम में से हर एक को ये यकीन है कि इसमें एक ज़बर ज़ेर की एक डॉट की भी चेंज नहीं आई और इस वक्त जो दुनिया जस्ट कंफ्यूजन में है और जस्ट स्टेट ऑफ अन में है और अनसर्टेनिटी में है उसमें सिर्फ एक यही कलाम है कि जो सर्टन है जो श्योर sure है जो यकीनी है बगैर किसी एम्बिग्विटी और शक के है इसके बावजूद हमारा रवैया कि हम दिलों की आंखों से और अपने जो है वो दिल के कानों से हम ना सुनते हैं और ना देखते हैं और पढ़ भी रहे हैं सुन भी रहे हैं लेकिन इसीलिए जिंदगी में तब्दीली नहीं आती बेशक अल्लाह तो लोगों पर भी जुल्म नहीं करता। लेकिन ये लोग ही हैं जो अल्लाह से दूर होकर अल्लाह के कलाम से दूर होकर अल्लाह के दीन से दूर होकर अपने आप पर म करते हैं और जिस दुनिया के अंदर ये अपना दिल लगाए बैठे हैं और इनको लगता है कि हमने यहाँ से जाना ही नहीं है तो जिस दिन अल्लाह उनको इकट्ठा करेगा तो उनको ऐसा लगेगा कि वो एक घड़ी में नहार दिन की रहे हैं यानी एक लम्हा एक एक, एक थोड़ा सा टाइम जो है उन्होंने दिन का यानी एक दिन का कुछ ऐसा दुनिया में स्पेंड किया है और आप देखिए कि अभी इस वक्त जो हम जिंदा हैं तो हम समझते हैं कि यही दुनिया सब कुछ है और अगली ज, जो अगली जिंदगी है वो कुछ भी नहीं है यार बहिना हम और उस, उस एक घड़ी में ही उनको एक दूसरे की पहचान यानी वहाँ महसूस होगा कि हाँ हम थोड़ी देर एक दूसरे से मिले थे चाहे कोई कितने करीबी रिश्तेदार औलाद माँ बाप बीविया शोहर यानी कितने करीबी रिश्तेदार हैं और इनके लिए आज हम अल्लाह को भुलाए बैठे हैं तो क्यामत के दिन उनके वो जब सामने आएंगे तो ऐसा अच्छा हम जानते हैं आपको थोड़ी देर हमने आपके साथ टाइम गुजारा है अल्लाह से मुलाकात को झुटला दिया उस पर यकीन ही नहीं किया वो मैं कहूँ मुहतदीन और ऐसे लोगों को फिर हिदायत नहीं मिलती ऐसे लोग हिदायत पाने वाले है नहीं हिदायत के लिए जो शर्त अव्वल है वो आखिरत पर और जिंदगी जो मौत के बाद है उस उस पर यकीन रखना जरूरी है वह इम नुरियन का बाबलवी और अगर हम आपको दिखाएं वो चीज नाइद जिसका हम उनसे वादा करते हैं यानी आजाब और नवफ्यन का या हम आपको फोत कर दें और अपने पास वापस ले आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ला ना मर तो भी ये हमारी तरफ ही वापस आएंगे यानी आपने इनके दरम्यान हमेशा नहीं रहना और जो ये मुतालबा कर रहे हैं कुफार मक्का या उस वक्त के जो कुफार थे और आज भी कुफार के आ जाए जो अजाब आना है क्यामत आ जाए है ना तो अल्लाह जी फरमा रहे हैं कि आप इनमें में से यानी वापस भी आ जाए हम आपको वापस भी ले लें फोत कर लें और इन पर अजाब भी आ जाए तो भी इन्होंने बला आखिर हमारे पास ही वापस आना है तो माहून फिर अल्लाह खूब गवाह है कि जो ये काम कर रहे हैं अल्लाह को खूब पता है कि कामों में इन्वॉल्व है वली उम्मत रसूल हर ग्रोह के लिए हर ग्रुप के लिए हर नेशन के लिए रसूल या मैसेजर आया अल्लाह सुबहाना वाल ने उनको अपना मैसेज भिजवाया दुनिया में कोई भी ऐसा ग्रोह नहीं है ऐसी उम्मत नहीं है ऐसी नेशन नहीं है जो ये कह सके कि हमारे पास हिदायत नहीं आई फिर जब उनके पास उनका रसूल बिलकश तो उनके दरम्यान इंसाफ के साथ फैसला कर दिया जाता उनको ये रियलाइज करवाया जाता कि सच क्या है वह हमला और इस सच के बताने में वो बिल्कुल भी जिस भी नेशन के पास नबी पहुंचे लोग यही कहते रहे अच्छा अजाब आ जाए क्यामत आनी है तो आ जाए यानी वो वादा जो अजाब का है वो कब पूरा होगा अगर तुम सच्चे हो तो अजाब अभी ले आओ

तमाम अम्बिया के सरदार और इमाम हैं जब वो अपनी जान के लिए किसी नुकसान और नफे के कदर नहीं है वो अपने आप को किसी नुकसान से नहीं बचा सकते ना ही कोई नफा पहुंचा सकते हैं अल्लाह मगर जो अल्लाह चाहे तो आप देखिए कि हम यही जो पहले बात हुई है कि हम जो ये कह रहे होते हैं कि अः नबी सल वसलम हमारी शफात करेंगे और हम बिल्कुल हाथ पे हाथ धरे बैठ जाए या कहते हैं कि हम चूंकि उनकी नस्ल से हैं या उनकी उम्मत में से हैं तो हमें तो अमाल की जरूरत ही नहीं है ठीक है और इसी तरह बाज़ात आप देखें कि मुख्तलि दुआओं में और मुख्तलि तरह की नातों वगैरह में भी ये जुमला इस्तेमाल किया जाता है कि नबी सल्ला वसम मेरा गम दूर करें या मुझे फायदा पहुँचाएं या मुझे मुझसे ये नुकसान दूर कर लें तो ये अगर तुम तो सिम्बोलिकली कह, कहा जा रहा हो तो वो अलग बात है लेकिन अगर उसमें ये नियत नीयत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ताकत रखते हैं हमसे नुकसान को दूर करने की और नफा पहुंचाने की तो ये फिर शर्क में आ जाता है क्योंकि फिर अल्लाह में और नबी में डिफरेंस तो खत्म हो गया ना तो इसलिए ये आयत जो है ये अकीदा रिफ्रेश कर रही है तोहीद का कि अल्लाह के अलावा नफा और नुकसान पर कोई भी क़ादर नहीं है लिकुल उम्मी अजल हर उम्मत के लिए एक मुकर वक्त है हैम जब उनका वो मुद्दत आ जाएगी उनकी वो जो टाइम है वो आ जाएगा अजाब का या मौत का पला तो वो एक घड़ी भी पीछे नहीं रह सकेंगे वो तकदम ना ही उस फिक्स टाइम से आगे बढ़ सकेंगे यानी एक मोमेंट भी लेट नहीं होगा चूंकि ये मक्की सूरत है और हम इस सूरत के आगाज में इसको डिस्कस कर चुके हैं कि मक्की सूरतों में आखिरत और आजाब या फिर जन्नत और जज़ा और सवाब और इन चीज़ों को ज्यादा डिस्कस किया गया है अकीदा पे ज़्यादा फोकस है और चूंकि ये उन आखिरी टाइम में और उन आखिरी सालों में नाजिल हुई सूर्य कि जब आप वसल्लम को मक्का में इंतहाई तंग कर दिया गया था और आप हिजरत की के हवाले से सोच रहे थे और आप इंतजार में थे अल्लाह के हकम के तो आप देखेंगे कि इस आयत में ये इन इन सूरतों में और खास पर पे सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है और ये बताया जा रहा है कि इससे पहले भी जो लोग थे आप की कौम से पहले भी जो लोग थे उनके भी यही हालात रहे तुम इन बयातन। आप कहती जी क्या तुमने ये सोचा है कि अगर तुम्हारे पास अल्लाह का रात वक्त आ जाए? जाए? मुजरिम कौन सी ऐसी चीज है जैसे ये मांग रहे हैं ये मुजरिम जो है अल्लाह से मांग रहे हैं यानी एक मिनट के लिए ये रियलाइज करो विजुलाइज करो सोचो कि अगर अजाब आ जाए तो तुम क्या करोगे अथम्म इदामा वकाएं मन तुम बे या जब अजाब आ जाएगा तब तुम ईमान लेकर आओगे आल आल अब अजाब आने के बाद ईमान लाने का क्या फायदा होगा वक़्त ख़त कुन तुम बे ही तस्ताज़िलून हालांकि इसको तुम जल्दी तलब कर रहे थे यानी अजाब जब आ जाए या मौत का वक्त आ जाए तो तौबा का कोई फायदा नहीं सो मकी लिल लजीन फिर उन लोगों से जिन्होंने जुल्म जुन्हों किया कहा जाएगा ज़ूक्हु अज़ाब अल खुल्द अब हमेशा अज़ाब का मज़ा चखो हमेशा की का अज़ाब चखो यानी ये ऐसा अज़ाब है कि जो खत्म नहीं होगा हल तुजौना इल्ला मा कुंत इल्ला بما कुंतम तकसबून तुम है उन्हीं चीजों का बदला दिया जा रहा है यानी नहीं तुम बदला दिए जा रहे हैं, मगर उसी का जो तुम करते दुनिया में जो करते रहे हो उसी की जजा है उसी का बदला है عذاب खुल्द हमेशा का عذاب نعوذ व من عذابه وغضبه وقهره वो यस्तमबीउनक अहक्कु हु और वो आपसे पूछते हैं कि क्या ये सच है कुल ई व रबी आप कहिए कि हाँ कसम है मेरे रब की انه لحق عذاب का वादा हक है मौत आकर रहेगी तुम्हारी आखिरत होकर रहेगी, वो अंत तुम बेमज़ीन, और नहीं हो तुम अल्लाह को आज़ज़ करने वाले, और तुम अल्लाह को हरा नहीं सकते, ولو أن لكل نفس نزل مثما في और बेशक हर जान के लिए जिसने जुल्म किया माफ़ी अर्दी जो कुछ ज़मीन में है, लफ्तादद भी वो फ़िदिये में भी दे दे अपने आमाल के बदले में वो असर और वो छुपाएंगे अपनी एम्बेसमेंट को अपनी नदामत को लम्बा और जब वो अजाब को, को अपने सामने देखेंगे यानी हर जान ये कहेगी कि काश जमीन में उसके पास जो कुछ था मालो दौलत रिश्ते नाते हर एक चीज उससे बदले में ले ली जाए और अजाब छोड़ उससे दूर कर दिया जाए और लोग उस वक्त शर्मिंदा होंगे कि हमने क्यों नहीं दुनिया में अपने आप को अलर्ट किया क्यों नहीं हमने अपनी जिंदगी में अपने आप को सीधे रस्ते की तरफ माइल किया और अल्लाह के दिन पर लगाया वीना बिलकश और लोगों के दरमियान इंसाफ के साथ फैसला किया जाएगा वह हमला और लोगों पर जुल्म नहीं किया जाएगा जो कोई करता रहा है वही भरेगा ألا إن لله ما في السماوات وما في الأرض خبردار سنو بشك الله كليه جو کچھ أو میں ہے اور زمین میں هي. يعني زمین اور آسمان سب کچھ الله کا هي. ألا إن وعد الله حق اور خبردار ہو جاؤ کہ اللہ کا وعدہ سچا ولكن أكثرهم لا يعلمون لكن أكثر لوگ اس بات کو جانتے ہی نہیں ہیں. علم ہی نہیں उम्मीद वही है जो जिंदा करता है और मौत देता है वह की तरफ तुम वापस जाओगे या लोगो तहकीक तुम्हारे पास नसीहत तुम्हारे रब की तरफ से आ चुकी है कुरान तुम्हारे पास ये नसीहत आ चुकी है वो शिफा उल्लेमा और ये शफा है हीलिंग है इलाज है उन तमाम बीमारियों का जो लोगों के दिलों में है जो सीनों में है जो हमें स्पिरिचुअल इमोशनल एलिमेंट्स हैं हर तरह की एलिमेंट का ये इलाज है पर आन वाहुदन और ये हिदायत है गाइडेंस है कंफ्यूजन में स्टेट ऑफ यू नो एम्बिग्विटी में प्रॉब्लम्स में हर तरह के मसाइल में कौन सी ऐसी चीज है जो तुम्हारे लिए सीधा रास्ता दिखाने वाली है जो तुम्हें गूगल मैप जैसे हम देख रहे होते हैं रास्ता भूल जाएं, तो फौरन से मैप ओपन कर लेते हैं कि हमें वो नेविगेशन ऑन हो जाए तो कुरान तुम्हें उसी तरह से हिदायत देता है तुम्हारे सही ओरिजिनल रास्ते की तरफ जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल की तरफ ले जाए वो और रहमत है साथ ही साथ लिल उनके लिए जो ईमान लाने वाले हैं ठीक है यानी लोगों से बात शुरू हुई और ईमान वालों पर खत्म हुई यानी ये एक जनरल नसीहत है हर किसी को इससे फायदा मिलेगा लेकिन हिदायत और रहमत सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिनको इस पर कुरान पर यकीन है जुल्लाहमति आप कह दीजिए अल्लाह की रहमत के, के साथ ये कुरान तुम्हारे लिए है और इस पर, इस पर को चाहिए, लोगों को चाहिए कि वो खुश हों खुशी मनाएं सेलिब्रेट करें कि ये कुरान जो शफा है नसीहत है गाइडेंस है ब्लेसिंग है मरसी है ये अल्लाह की रहमत के साथ तुम्हारे पास है सुबह तो इसको सेलिब्रेट करो कि ये तुम इस इसके मानने वालों में शामिल हो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है अल्लाह ताला हमें अपनी नस्लों समेत कुरान के मानने वालों में शामिल रखे हुआ यजमा ये कुरान और इसका इल्म उन तमाम चीजों से बेहतर है जिसके पीछे लोग लगे हुए हैं जिसे लोग इकट्ठा कर रहे हैं दुनिया की दौलत हर तरह का नॉलेज हर तरह की डिग्रीज हर तरह की एफर्ट्स उनसे बहुत बेहतर है ये कुरान खैर यानी दी बेस्ट है खैर यानी सुपरलेटिव डिग्री बेहतरीन है दी बेस्ट है उन तमाम चीजों में जिनको लोग इकट्ठा कर रहे हैं क्या तुमने गौर किया है कि जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए रिस्क नाजिल किया हराम हराम उस हलाल उसमें से खुद ही तुमने और कर दिया ये वही यानी उसी तरफ इशारा है जिसको हम सूरत में पढ़ कर आए हैं में पढ़ कर आए हैं कि अल्लाह ने बहुत सारी चीजों को हराम नहीं किया लोगों ने कर लिया अल्लाह ने बहुत सारी चीजों को जायज़ नहीं किया लेकिन लोगों ने कर लिया आज इसी पे इनशा अगले हिस्से में हम बात करने वाले हैं

फज़ल से मुरा यानी अल्लाह ने जिसको हैराम किया वो इंसानियत के लिए नुकसान दे है ये अल्लाह अल्लाह का है कि ने वो तमाम चीजें हमें उससे मना कर दिया जिसमें हमारे लिए नुकसान है और उन तमाम चीज़ों को हमारे लिए हलाल और उनका हुक्म दे दिया जिसमें हमारे लिए फ़ायदा है जिसमें हमारे लिए नफा है जिसमें हमारे लिए भलाइया है लेकिन इस चीज की इस दिन के जो हलाल और हराम का जो एस्पेक्ट है या ये जो मैकेनिज्म है हलाल और हराम का या ये जो इल्म है इसकी अल्लाह की, की जो इनायत है इसको इसकी लोग कदर ही नहीं करते लोगों का लोगों को इसकी रियलाइजेशन ही नहीं है कि तो ये जो हलाल और हराम है अल्लाह की तरफ से किया गया इसमें हमारी ही बका है अज़ीम